अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिया और ले आई हूं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें आपको बताने वाली हूं आप अपने नेम क्या, फ्लावर वाला नेम कैसे तैयार कर सकते हैं, जो अब आजकल ट्रेंडिंग में है। आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर ये बहुत वायरल जा रहा है। तो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। सिंपली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सामने लगी घंटी को भी दबा देना है, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ऐप पिक्सल लैब। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने 3 डॉट के ऊपर जाना है, ये वाले 3 डॉट जो हैं इसके ऊपर जाना है, इनको ओपन करना है और यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी के ऊपर चले जाना है। और अपनी गैलरी से आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इसको कर लेती हूँ ओके। और इसके बाद हमने इसको 9.16 सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद आपने लिखना है इसके ऊपर अपना नेम। नेम के लिए एडिट पे जाएंगे और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपने लिखना हो। मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ऐसे ही आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है फॉन्ट में। फॉन्ट में जाने के बाद माय फॉन्ट के ऊपर जाना है। माय फॉन्ट के ऊपर जाना है आपने। सिंपली माय फॉन्ट के ऊपर जाके आपने पहले अपने फॉन्ट जो हैं वो पिक्सल लैब में ऐड कर लेने हैं। यहाँ से आपने ऐड कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ जाती हूँ, ये मुझे मेरी गैलरी में ले जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने जो फॉन्ट हैं वो आपने कर लेने हैं डाउनलोड, और वो आपके जिस भी फाइल में आएंगे आप देख सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड में है, मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट पड़े हैं, इनको मैंने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऐड कर दूंगी, तो ये यहाँ ऐड हो गया है। सिंपली आपने ऐसे ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद आपने ये वाला फॉन्ट जो मैं आपको दूंगी, आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और इससे आप फ्लावर वाला जो है, ये देख सकते हैं हमारा फ्लावर बन गया है साथ। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा साइज का थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ इसको रख देंगे। इसके बाद हम जाएंगे स्ट्रोक में, ये स्ट्रोक जो लिखा है इसमें जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और ऑन करके इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे। उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे, ये वाला जो है ये आपने करना है सिलेक्ट। इसके ऊपर जाएंगे और इसके बाद इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपने यहाँ से ये पिक्चर ले लेनी जो आपको पसंद हो, 4 में से, ये 4 हैं, चारों में से जो भी आपको अच्छी लगे आपने एडिट कर लेनी है। जैसे कि मैं ये करती हूँ, देख सकते हैं हमारा नेम बन गया है। इसके बाद हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से जितना आपको अच्छा लगे आप रख लें। उसके बाद आपने जाना है फिर स्ट्रोक में और बॉर्डर ऑन कर देना है इसका। सिंपली आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने शैडो पे जाना है, शैडो को ऑन करके येलो कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा इसे कम कर देना है। ये हमारा नाम बन गया है। इसके बाद दोबारा आपने टैक्स के ऊपर जाना है और
और यहाँ लिखना है जो आपको अच्छा लगे। आई लव यू लिख देती हूँ मैं जैसे, और हम इसको इधर सेट कर लेंगे ऐसे। इसको भी हम फॉन्ट में जाएंगे, इस फॉन्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। हार्ड वाला फॉन्ट जो मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका भी स्ट्रोक ऑन करके वाइट कलर चूज़ करके फिर से इसे एडिट में जाके इसमें भी पिक्चर ऐड कर देंगे। देख सकते हैं ये हमारा बन गया है। उसके बाद शेडो ऑन कर देंगे इसका भी, जो आपको अच्छा लगे आप शेडो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ये वाला यूज़ किया है। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बन गया हमारा नाम। ऊपर हम लिख देंगे पोट्री, जो आपको अच्छी लगे। जैसे कि मैंने ये लिख दिया। दोबारा फॉन्ट में जाएंगे और जमील नूरी नस्ताइन ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा, इसको आपने कर लेना एडिट। इसको क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं हमारा चेंज हो गया है नेम। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ से कलर में आके कलर चेंज कर देंगे। आपको जो अच्छा लगे आप कलर रख सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है दोबारा स्ट्रोक में, उसको ऑन कर देना है, जो आपको बेस्ट लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये बेस्ट नहीं है इसलिए मैं इसको चेंज करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, शेडो में इसका करेंगे चेंज, ये अब ठीक है। शेडो ये हमारी पोट्री बन गई है। अब इसके बाद आप मजीद इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इसको बड़ा के मैं सेट करूंगी, इसका भी कलर चेंज और शेड स्ट्रोक ऑन करके इसमें भी हम पिक्चर ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं चेंज हो गया सारा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ इसको इधर ऐड कर सकते हैं हम इधर। अब उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख लें। सिंपली मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ और फॉन्ट भी इसका कर देती हूँ यहाँ से चेंज। स्ट्रोक इसकी ऑन करके थोड़ी बढ़ा दूंगी। शेडो ऑन करके
ये देख सकते हैं हमने बना लिया है। सिंपली ये ऐसे आपने अपना जो है नेम क्रिएट कर लेना है। ये आपका एक बन चुका है, तो आप इसको डाउन जहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपकी ये पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। सेव अप इमेज पे जाके आपने सेव कर लेनी है, तो ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो गई है। सिंपल है, इजी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।